संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने मंत्री प्रभुराम चौधरी के निवास का घेराव किया। संघ का कहना है कि 10 से 15 सालों तक संविदा सपोर्ट स्टाफ कर्मचारी के रूप में सेवाएं दे रहे थे, अचानक से 2019 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से हटाकर रोगी कल्याण समिति और आउटसोर्स एजेंसी में कर दिया गया, जिससे कर्मचारियों का भविष्य अंधकार में हो चुका है। सीएम शिवराज और मंत्री प्रभुराम चौधरी के आश्वासन के बाद भी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। कारण यह है कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ काफी लंबे समय से दो प्रमुख मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे थे, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा हर बार आश्वासन भी दिया गया था, चाहे माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय के द्वारा हो, चाहे माननीय सीएम साहब के द्वारा हो। लेकिन जो अभी कुछ दिन पहले महापंचायत की गई थी, उसमें इन कर्मचारियों को मुद्दा छोड़ दिया गया। हमारी तो मेरी तो प्रमुख मांग हमारी सबकी कि हम लोग को NRHM में वापस लिया जाए, हमारी प्रमुख। और जो जैसे संविदा को जो मामा जी ने सौगात दी है वो हमको भी दे दे। कहीं ना कहीं मामा जी महिलाओं को लेकर काफी कुछ घोषणाएं कर रहे हैं, आज सारी मुझे दिख रहा है सारी महिलाएं दिख रही है, हम लोग तो का क्या कुछ लगता नहीं है? किया गया हम लोग का कुछ नहीं किया जाए, हम लोग मामा जी के नजर में नहीं है, मामा जी की अपनी बहन नहीं मानते हैं, तभी तो हमारे लिए चेक नहीं करते। आज हमारी यही मांग है कि हम लोगों को NRHM से हटाकर आउटसोर्स कर दिया गया है, और हम लोगों की सबकी एक भर्ती एक जैसी है। उसके बाद हम छोटे कर्मचारियों को ही क्यों ऐसा किया, हम लोगों की 5,000 की वेतन में घर नहीं चलता। हमारी मामा जी से और मुख्यमंत्री जी से और ये अपने स्वास्थ्य मंत्री जी से पूरी पूरी सराहना करेंगे कि वो हम लोगों की मांग पूरी करें।